आपको सिर्फ मानक की जुबान से ये कबूल करवाना है कि जिन दो वर्कर्स की मौत हुई उसका जिम्मेदार वो खुद है। वो तो मैं बुलवा ही लूंगा, लेकिन कुछ लोग हद से ज्यादा ढीठ होते हैं, लाख तोड़ ताड़ करो बिल्कुल नहीं बोलते। ऐसे लोगों के लिए हमें डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। नेकी और बूझबूझ कीजिए ना, आपको जो करना है करिए, मानव के बदन की हर एक हड्डी भी टूट जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसकी जबान को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी जबान से ही तो अपना गुनाह कबूल करेगा। वैसे मुझे ताई की बहुत टेंशन हो रही है, अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो जयवंत के घर वाले ताई से रिश्ता तोड़ देंगे। वैसे भी प्रभा का की ताई से इतनी नाराज है, उसके हाथ से एक और गलती होने की देर है और बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही कह रही है तू, एक्चुअली मुझे भी ताई से इसी बारे में बात करनी थी। सच कहूँ ना तो मैं भी इसलिए आज यहीं पे रुक गई, लेकिन तुझे लगता है हमारे कितने भी समझाने पर ताई ये बात समझेगी? मतलब तू जानती है ताई मानव में इतनी इन्वॉल्व हो गई है ना कि वो चाहते हुए भी अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पा रही। पता नहीं ताई की ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उसके अतीत के साथ अब उसका कोई भविष्य नहीं रहा। तू सच कह रही वर्षुते, भगवान मुझसे गलत ना बुलवाए, मुझे बदलते दिनों को देखकर ऐसे लग रहा है कि ताई की जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। देखो अर्चना, तुम ये जो सब कर रही हो ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मानव को इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। मैं समझाऊंगी अर्जुन को। जरूर समझाइए, पर साथ में ये भी कह दीजिएगा कि ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना दोबारा हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने जिनसे शादी की थी उनका नाम मानव था और वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये तो हमारी किस्मत थी जिसने हमें अलग कर दिया। सुलोचना, आराम से सुलोच बैठो। ताई एक मिनट, हाँ मुझे बात करनी है तुझसे। क्या बात है वैशु, तुम मुझे अचानक इस तरह से बात कर? अभी नहीं वैशु, बाद में नहीं, बात अभी इसी वक्त। ठीक है, तुझे मुझसे बात करनी है, चल आई के सामने बैठ। नहीं कोई जरूरत नहीं, ये सब नाटक क्यों कर रही है तू? हाँ तुझे आई की कोई चिंता विंता नहीं, तो ये सब दिखावा क्यों कर रही है वैशु तू? हाँ ताई, छोटी हूँ बड़ी बात, लेकिन सही कह रही, आज बता रही हूँ तुझे, आई की ये जो हालत है ना उसकी जिम्मेदार तू है ताई। ताई वैशु बिल्कुल सही कह रही है, और इस बात से मैं भी सहमत हूँ दादा। और जो पिछले कुछ दिनों से जो तू बर्ताव कर रही है ना, उसकी वजह से आई बिल्कुल टूट गई है, चाहते हुए भी वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। और ताई तू तो आई की सबसे समझदार बेटी है ना, तो फिर तू ऐसी ना समझे वाली हरकतें क्यों कर रही है? और तू ये सब करके साबित क्या करना चाहती है ताई? तेरा ये कहना है कि हम सब तुझे फोर्स कर रहे हैं कि तेरी गृहस्थी वापस बसे, तो तू गलत है ताई,
तूने जब ना कहा था ना तो हम सब चुप बैठ गए थे, लेकिन वापस फिर तू ही इस रिश्ते को हाँ करने गई थी। और अब जब तूने इस रिश्ते को हाँ कहा है तो अब तू क्यों पीछे हट रही है? हाँ अर्जु, तू अच्छी तरह से जानती है कि मानव के तू जितना करीब जाएगी उतना ही तू जेवन से दूर हो जाएगी, और ये दूरियां तेरे इस रिश्ते को टूटने की वजह बनेंगी। और ताई, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि तू मानव की चिंता करना छोड़ दे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तू अपनी मर्यादा को समझ और सिर्फ उतना ही आगे बढ़ जहाँ से तू आसानी से वापस लौट सके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ताई कि ये सारी बातें हमें तुझे क्यों समझानी पड़ रही है। अरे आज तक सही गलत का फैसला तूने हमें करना सिखाया और आज तू ही गलत रास्ते पे जा रही है। अर्जुन, तू जानती है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब लोग तुझे तेरी गलती बता रहे हैं, तुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं, लेकिन तू है कि हमारी किसी की बात नहीं सुन रही है। जो तेरे मन में आ रहा है वही किए जा रही है। दादा, शायद आप सही कह रहे। मैं पिछले दिनों मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, लेकिन यकीन मानिए दादा, मैंने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया और ना दुखाना चाहती। ताई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तूने जो भी किया है जानबूझकर किया, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सही समय पर अपने आप को रोक ले, वरना तू अपना तो नुकसान करवा ही रही है, उसके साथ साथ आई की भी तबीयत खराब हो रही है। तुझे पता है आई ने तेरी शादी को लेकर, तेरे भविष्य को लेकर कितना टेंशन पाल के रखा है, और आज जो आई को अस्थमा का अटैक आया है ना, वो इसी टेंशन के कारण आया। अर्जु, तुम मानव के प्यार में अंधी हो गई है। हमें तो बल्कि ऐसा लगता है कि हम तेरे लिए मायने ही नहीं रखते। ऐसा नहीं है दादा। ऐसा ही है अर्जु। लेकिन अर्जु, एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले, अगर तेरी इस जिद की वजह से आई को कुछ हुआ ना, तो हम में से कोई भी तुझे माफ नहीं करेगा। हम तो क्या, तू खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। तुम और यहाँ, वो भी सुबह सुबह, फैक्ट्री नहीं जाना है क्या, या फिर जेल? फैक्ट्री जा रही थी, लेकिन आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए यहाँ चली आई। कल इतना कुछ सुना के गई थी काफी नहीं था क्या? और भी कुछ सुनाना बाकी है? ठीक है, सुनाओ, कर लो एक और बार अपमान। मैं आई। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? अर्चना, थोड़ा याद करके देखो, जब से हमारा रिश्ता जुड़ा है तब से कभी मेरा कभी मेरे बेटे का अपमान ही तो करती आई हो तुम। ना अपने देखे ना पराए, बस फट से मुंह खोल दिया तो आज क्यों खड़ी हो? बोलो, कह दो जो कहना है। नहीं आई, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। क्या, तुम और माफी? आई शपथ, हे काय एकते मी, मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? नहीं आई, मुझसे वाकई में गलती हुई है। क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। आई, मुझसे गलती हुई है, और इस गलती की वजह से मेरी आई बहुत परेशान है। तुम्हें पता है, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें मेरे जैसी सास मिली है, वरना मेरी जगह कोई और होती तो कब का ये रिश्ता तोड़ चुकी होती। सिर्फ मेरे बेटे के प्यार की वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लेना, मेरे घर की बहू किसी और मर्द के साथ संबंध रखे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जल्द से जल्द अपना रवैया सुधार लो,
वरना आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती। आइया अब एक बार प्लीज मेरी आई से बात कर लीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। ठीक है, कर लूंगी मैं बात। दे दे एक किलो दे। कितना पैसा? 18 रुपया। 18 कैसे? पूरे मार्केट में तो 16 रुपए किलो है, तुम्हारे पास 18 कैसे? अरे जहाँ 16 रुपए वहीं से लेकर आओ ना, मेरे पास क्यों आती हो? क्या हुआ की? क्या हुआ? देखो ना, पूरे मार्केट में 16 रुपए किलो कांदा है, ये 18 रुपए से दे रही है। अरे 2 रुपए कम पड़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं मैं दे देती। अरे लेकिन तू मेरी मदद क्यों करेगी? हाँ क्यों मतलब? काकी आज हम लोग भले ही रिश्तेदार ना हो लेकिन एक समय तो हम लोग करीबी रिश्तेदार थे ना, बस उसी का ध्यान करके मैं ये पैसे दे रही हूँ। देख मैं काकी चुप रही, मैं सब जानती हूँ और सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे बहुत रोना आता है। एक तो पहले से आप लोग बहुत गरीब थे और ऊपर से अरे एकमात्र कमाने वाला शख्स आपका बेटा मानव दो दो लोगों के मर्डर के चक्कर में जेल में पड़ा सड़ रहा है। क्या बीत रही होगी ना आप पर? बस काकी यही सोचकर मैं आपकी मदद करने के लिए चली आई। ये पूरे मार्केट में 4 लोगों के सामने ये बातें बोलकर तू क्या जताना चाहती है? काकी आप गुस्सा मत कीजिए, आपको क्या लगता है कि मैं 4 लोगों के सामने यूँ जानबूझकर आपका अपमान कर रही हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। मर्डर करने वाला लड़का, दारूबाज पति, बिन ब्याही माँ बनी लड़की आपके घर में रह रही है, अरे कैसे निभाती होंगी आप ऐसे लोगों के साथ में? मुझे तो इतना बुरा लग रहा है ना आपको देखकर, इसीलिए तो मदद करने चली आई आपकी कि आजकल आपको एक एक पैसे के लिए तरसना होता होगा ना, इसीलिए तो ये 2 रुपए दिए मैंने। ये 2 रुपए आप भीख समझकर नहीं एहसान समझकर रख लीजिए। तू कौन आई रे एहसान करने वाली? हाँ ये भरे मार्केट में तू मुझे बोल रही है 2 टके की नालायक औरत? तू मेरे परिवार के बारे में बोलेगी? तू फिर से बोल के दिखा, नहीं तेरी जुबान खींचू ना तो नाम की सारी। अरे कहाँ से खींच लेगी जुबान? अरे बेशरम तो तुम और तुम्हारा बेटा वो मानव है, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। वो तो हमारा परिवार इतना अच्छा है कि आप लोगों की जातियों को बर्दाश्त करा वरना तो। अरे क्या करेगी तू, क्या करेगी क्या? औकात दिखाना हमें भी अच्छी तरह से आता है। अरे आपका बेटा मानव जेल में पड़ा सड़ रहा है, अरे छोड़ देना वो हमारी अर्जू को, क्यों पकड़ के रखा हुआ है? आप जैसे घटिया लोगों की संगत में तो हम लोगों का जीना ही हराम हो गया है। इतना ही है ना, तो ये पूरे मार्केट में 4 लोगों के सामने तुझे कहती हूँ, आज से तुम्हारा हमारा बचा कुचा रिश्ता खत्म। जाके अपने परिवार से बोल दे, और वो तेरी प्यारी ननंद है ना उसे भी बोल दे, हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं। ये ले तेरे कांदे और दे मेरे पैसे। ये लो। आई शिंदे। क्या था? उसे रिमांड रूम में लेकर आओ। ठीक है सर। ये मानो चल आजा बाहर, साहब ने बुलाया, चल। क्या रहा शिंदे, कुछ लोचा हुआ है क्या? पता नहीं लेकिन साहब का मुझे आज कुछ ठीक नहीं है, लगता है आज पढ़ने वाली है। आजा भाई चल आ, चल चल। तू जा, जब तक मैं आवाज नहीं दूंगा अंदर मत आना। हाँ चल तू बैठ ना, बैठ। चल
साइन कर। ये क्या सर? यही कि तू अपनी मर्जी से अपना गुनाह कबूल कर रहा है। फैक्ट्री में हुई मजदूरों की मौत तेरी लापरवाही की वजह से हुई, और इस लापरवाही के लिए कानून तुझे जो भी सजा देगा उसे भुगतने के लिए तू तैयार है बस। और हाँ, कल परसों तक तेरी कोर्ट में पेशी है, और इससे पहले तुझे इस पेपर पर साइन करना होगा। चल साइन कर। साइन कर। नहीं सर, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। जो गुनाह मैंने किया नहीं उसकी उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूंगा? मैं साइन नहीं करूंगा सर। अबे तो क्या, तेरा बाप भी साइन करेगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, सब कुछ जानता हूं मैं तेरे बारे में। ये सब तेरा ही किया धरा है, इसका सबूत है मेरे पास, गवाह भी है। हाँ, लटकने वाला तो तू है ही। अगर साइन करके लटकेगा तो मैं तेरे लिए कोर्ट में सिफारिश करूंगा कि तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। ज्यादा शांत पट्टी मत कर, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। चल साइन कर, साइन कर। नहीं सर, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं ये तुझे अभी बताता हूं। मेरा असली रंग तूने भी देखा ही कहां है। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पैसे भिजवा दिए। अब मानव से झूठ बुलवाकर उन पेपर्स पे साइन कराने की जिम्मेदारी उस इंस्पेक्टर की है। वो हर तरीके से हमारा काम करेगा सर। नहीं जयवंत, मुझे नहीं लगता मानव से साइन कराने का यह तरीका सही है। लेकिन सर, जयवंत मानव से साइन कराने के लिए पुलिस वाला उसे पीटेगा, और भगवान न करे कल को बात बिगड़ गई तो हम लोग बहुत मुसीबत में आ जाएंगे जयवंत। लेकिन सर, मानव का साइन उसका क्या करेंगे? उसके बारे में क्या करना है मैंने सोच रखा है। इंस्पेक्टर जयवंत राणे बोलते हैं। बोलो। उस मानव को हाथ मत लगाना, मैं वहां आके बताऊंगा कि क्या करना। समझ गया ना? ठीक है। बाबा। हाँ बेटा। आई कशे? अब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी कमजोरी है। अंदर कमरे में आराम कर रही है बेटा। ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुमने कुछ खाया नहीं ना? कल रात भी तुम बिना खाए सोए, और आज भी बिना कुछ खाए वैसे ही ऑफिस चली गई। क्यों करती है ऐसा? तेरे बाबा बता रहे थे कि कल रात विनोद, वर्षा और वैशु ने तुम्हें बहुत कुछ सुना है। आई, मैंने जयवंत की आई से माफी मांग ली, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। आई, कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन तू मुझे समझना। तू चाहती है ना कि मैं किस दौर से गुजर रही हूं? अर्जुन, मैं समझ सकती हूं। एक सहेली के नाते तेरी बात से सहमत भी, लेकिन एकाई के नाते मुझे अब सिर्फ तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता है, और सिर्फ मुझे ही नहीं अर्जुन, तुम्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा।